अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि गवर्नर सिंध कामरान खान तेसोरी जो आई टी के फ्री कोर्सेज करवाने जा रहे हैं, उनकी क्लास कब स्टार्ट होगी। फिज़िकल वालों की क्लासेस कब से स्टार्ट हैं जो फिज़िकल में सिलेक्ट हुए हैं, और जो ऑनलाइन में सिलेक्ट हुए हैं उनकी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी और उनकी क्लासेस कैसे होंगी। तो अभी रिसेंटली गवर्नर साहब की जो है एक वीडियो आई थी कि उस वीडियो में ये बता रहे थे कि आईटी कोर्सेज जो है जल्द होने वाले हैं। इट मीन्स के 10-15 दिन अभी उसमें लगेंगे, एटलीस्ट 1 वीक तो लगेगा ही लगेगा एनी हाउ। इट मीन्स के वो 5 सितंबर या 10 सितंबर से जो है आपकी क्लासेस फिज़िकली स्टार्ट हो जाएंगी। अभी ऑनलाइन की कोई जो है अपडेट नहीं है ये कि ऑनलाइन भी होगी या नहीं, बाकी फ़िलहाल जो है फिज़िकल क्लासेस जो है वो 10 तारीख को 10 सितंबर या 5 सितंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और इन कोर्सेज के बारे में सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जब गवर्नर साहब ने ये कहा था कि आईटी के फ्री कोर्सेज करवाने जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा था कि HTML, CSS और JavaScript आपको मतलब के बेसिक कमांड आनी चाहिए, मतलब के बेसिक आनी चाहिए। तो मैंने HTML के ऊपर एक सीरीज़ बनाई है, तो जिसकी मैंने एक वीडियो बना ली है और दूसरी इंशाल्लाह आज आ जाएगी। तो सीरीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिए, आपकी नॉलेज में इजाफ़ा होगा और आप वेब डेवलपमेंट जो है सीख सकेंगे। तो मज़ीद मैं उस वीडियो का आई बटन में लिंक दे दूँगा, वो आप देख लीजिएगा और मेरे चैनल को मज़ीद सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर किसी को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने एक वेब डेवलपमेंट की क्लास स्टार्ट की है जो HTML, CSS और JavaScript की है, अगर किसी गर्ल को ऐड होना है तो वो मुझे बता दे, क्योंकि बॉयज़ इतने अभी हुए नहीं है मेरे पास जो वो क्लास मैं बॉयज़ की स्टार्ट कर सकूँ। जो गर्ल्स हैं उनकी मैंने स्टार्ट कर दी है, अगर किसी गर्ल्स को ऐड होना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं उनको ऐड कर दूँगा। मज़ीद आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मज़ीद मैं आईटी के रिलेटेड जो है वीडियोस पोस्ट करता रहूँगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।